बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर के नाथनगर आयुर्वेदिक कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां की समस्याओं को जाना। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए पिछले कैबिनेट में उन्होंने चर्चा की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने इसे अगली कैबिनेट में लाने की बात कही। मंत्री ने कहा कि आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए 125 करोड़ का एस्टिमेट बनकर तैयार है और इसे जल्द ही कैबिनेट में पास करा लिया जाएगा। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि जब कई आयुर्वेदिक कॉलेज कैबिनेट में डिस्कस हो रहा था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा हमारे नाथनगर आयुर्वेदिक कॉलेज का क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं, उसका भी होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि ले आइए, इसका एस्टिमेट बन गया है। ये 100 करोड़ से ज्यादा का एस्टिमेट है। इसके अंदर जो पीडब्ल्यूडी की बगल की जमीन है वो भी जमीन एक्वायर होके इसमें मिल जाएगी। ये संथाल परगना के बॉर्डर पर है, जड़ी बूटी का इलाका है। आयुर्वेदिक कॉलेज की जो चमक थी उसको नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी वापस लाएंगे। हम भी एक छोटा सा रोल गिलहरी वाला अदा कर रहे हैं, क्योंकि हम भागलपुर के पूर्व सांसद रहे हैं। भले भागलपुर के अंदर पूर्व सांसद रहे, लेकिन एमएलसी तो अब यहीं से हैं, यानी हमने अडॉप्ट किया। तो यहाँ की कोई बात होती है तो हम उसको उठाते हैं। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने तपोवर्धन में 60 करोड़ दिए थे, इसमें 125 करोड़ से ज़्यादा की राशि होगी। अभी राशि कितना एस्टिमेट बना है वो बता देंगे। और ये पूरे बिहार झारखंड का सबसे सुंदर आयुर्वेदिक कॉलेज होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हम जब सांसद थे तभी से प्रयास कर रहे थे, लेकिन तब हम लोग खाली मांग करते थे, जैसे एमपी एमएलए मांग करते हैं, और निर्णय तो सरकार करती है। अब हम भागलपुर की जनता ने वोट में पीछे रखा, लेकिन आशीर्वाद में हमको आगे रखा है, दुआएं साथ हैं। तो अब हम बिहार सरकार में भागलपुर के प्रतिनिधि हैं, बिहार के अंदर सरकार में तो काम कर रहे हैं। और आयुर्वेदिक कॉलेज को भी, इसको बहुत सुंदर बनेगा। और इस कॉलेज के अंदर हम लोग इसको इतना सुंदर बनाएंगे। एक मिनट, आइए आ गया ये रेंजी।